अस्सलाम वालेकुम कमरून डिजिटल से, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रब शाकिर और आज हम आए हैं पतोगी कचहरी चौक के अंदर। यहां पे फलस्तीनियों की के साथ यकदस्ती के तौर पर एक रैली निकाली गई है। हम लोगों से पूछते हैं कि वो मकसद अक्सा के तहफ़ के लिए क्या तैयार हैं या नहीं, और अगर जिहाद का ऐलान होता पाकिस्तान के क्या वो तैयार है, तो हम उनसे पूछते हैं। आजय जी, मस्जिद अक्सा के वाले से जंग है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखें जी, वो बैतुल हराम में जैसे वैसे ही हमारे लिए किबला अव्वल है, वो तो उसकी हिफाजत करना भी तमाम मुसलमानों का फरीजा है। जो हमारे भाई उधर लड़ रहे हैं, हम उनके लिए जारी यकजहती करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और हम तमाम उम्मत मुसलमा से अपील करते हैं कि वो एक होकर इसके हवाले से अपना मौके पेश करें और ये यहूद नसारा को ये बताएं कि ये वो हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान में अगर जिहाद का ऐलान होता तो आप तैयार हैं? जी इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, और इंशाल्लाह रहमान हम अपने भाई फलस्तीनियों के साथ शना बशना इंशाल्लाह खड़े हैं, और हम तन गोश हमारी जान की जरूरत हो भी हाजिर है, माल भी हाजिर है, और इंशाल्लाह हम सारे मुसलमान भाइयों से ये मुतालबा भी करते हैं कि सब भाई यकजा होकर अपने फलस्तीनियों भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हो जाए। पाकिस्तान में अगर जिहाद का ऐलान होता है तो आप इंशाल्लाह तैयार? इंशाल्लाह सबसे पहले और सबसे अव्वल इंशाल्लाह सबसे पहले। बहुत शुक्रिया, मजीद लोगों से बात करते हैं जी। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ इसराइल को और सारे यहूदियों को कि मुसलमान इंशाल्लाह इकट्ठे होने वाले हैं, हो गए हैं बल्कि इंशाल्लाह अब तुम्हारी मौत है, हर तरफ मौत नजर आएगी आपको, भागने का रास्ता नहीं देंगे, इंशाल्लाह तैयार रहें, हम भी तैयार हो चुके हैं जी। पाकिस्तान में अगर जिहाद का ऐलान होता तो तैयार है आप इंशाल्लाह? हाँ जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, बच्चा बच्चा तैयार है, बूढ़े तैयार है, बच्चे तैयार है, ऐलान करें, हमें इंतजार है कब ऐलान हो, कब हम जाएं जी इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि ये लोगों का कितना जोश है, जज्बा है जिहाद के लिए। चीफ साहब से बोलो कि वो आज जिहाद के लिए तैयार तो हो, आप तो रेडी हो ना, आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह इस तरह आर्मी चीफ और सबसे पीछे हो, ये तो बच्ची बात नहीं ना। बल्कि हमें शर्मिंदगी है कि हमारा आर्मी चीफ चुप है, हमारे हुक्मरान चुप है, हमें बहुत शर्मिंदगी है, ये बोले ये सवाल उठाए। जी इंशाल्लाह मजीद लोगों से बात करते हैं जी, आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज जो फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है, मैं आज पाकिस्तानी और मुसलमान होने की हैसियत से आज हम कचहरी चौक पे जमा हैं। ये यूद अनुसार ये डरपोक कौम है, ये किसी जगह भी खड़ा नहीं हो सकती। अगर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाए और इन जगह ये यूद अनुसार खत्म हो जाएंगे, हम यहूद के खिलाफ इन जगह खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हैं लोगों का जो जज्बा देख सकते हैं, बड़ा जोश से जज्बा है कि उनका कहना है कि हम इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए हम तैयार है, तो हम इनसे बात करते हैं। अपने तो मनी थी आई समझे सब है सादा सादा आई समझे, मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए आप तैयार हैं इंशाल्लाह? हाँ जी तैयार है सादे ना, ये हाथ का लाल होता तो तैयार है आप? हाँ जी तैयार है जी। मौलाना हमें बताएं कि मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए लोगों का क्या जोश और जज्बा है? असल में बात ये है कि ये मस्जिद अक्सा की आजादी नहीं है, तो आज हमने सिर्फ मस्जिद अक्सा की हिफाजत नहीं कर ले, बल्कि हमने उस मुकाम की और तमाम आलम इस्लाम उस मुकाम की हिफाजत कर रहे हैं जो अंबिया का मुकाम है, और जहाँ पे अंबिया की इमामत आका मौला दो जहाँ के नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वहाँ पर, और वो हमारा क़िबला अव्वल है। अंबिया की मस्जिद है और अंबिया की सरजमीन है, इसकी आजादी के लिए आप पुरजोश तैयार हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान तैयार हैं, क्योंकि इसकी आजादी के लिए तमाम मुसलमानों का एक ही नारा था और वो एक ही रहेगा कि आका अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करना। आका का फरमान है कि अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, कि जिहाद क़ियामत तक जारी रहेगा। अगर ये मुशरिकीन और काफिर लोग बैतुल मक़द्दस का खेड़ा नहीं छोड़ेंगे, इस मामले को और इस मसले को नहीं छोड़ेंगे, तो हम लोग तो जिहाद करते रहेंगे जी। हमें बताएं कि फलस्तीन की आज़ादी के लिए क्या आप तैयार हैं इंशाल्लाह? इंशाल्लाह पूरी कौम तैयार है, पूरा मुसलमान तैयार है। ये जो हिंदू जालिम इसराइली ये जुल्म कर रहे हैं, हम इस पर एहतजाज करते हैं और अपनी हुकूमत को कहते हैं कि इनके खिलाफ कदम उठाएं। कि जो आज रैली है पतोगी कचहरी चौक में, इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज की जो रैली फलस्तीन के जो यकजहती है फलस्तीन के हवाले से निकाली गई है, मैं यही अपने हुक्मरानों को और पैगाम देना चाहता हूँ अकवाम-ए-मुत्तहिदा को भी कि
जो ये जुल्म व सितम हो रहा है फलस्तीनियों पे और इसराइल ने जो जुल्म किया इसको जल्द से जल्द इसको बंद किया जाए। अगर पाकिस्तान के अंदर जिहाद का ऐलान होता तो आप इंशाल्लाह तैयार हैं? इंशाल्लाह तैयार। मोहतरम हम बताएं कि फलस्तीन की यकजहती के लिए और उनके साथ यकजहती के लिए आप तैयार हैं इंशाल्लाह? हां बिल्कुल, आपका वक्त तैयार है। हमें ये अफसोस है कि नवाज जी ने शहबाज जी ने अभी तक कोई मदद नहीं की। अगर पाकिस्तान के अंदर ऐलान हो जाता है जिहाद का तो आप इंशाल्लाह तैयार हैं? हम तैयार हैं। आप फलस्तीन के बारे क्या कहना चाह रहे हैं? हम उनके साथ हैं बिल्कुल। दूसरी मेरे दोस्तों ये बात कि हम अपने हुक्मरानों से अपील भी करेंगे, पावर भी करवाएंगे कि हमारा वजीर आजम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाइयों ये फलस्तीन का मामला, इसमें नरमी इख्तियार करना तो गोया कि इसराइल का साथ, ये इनका मेन मकसद सिर्फ मस्जिद अक्सा की बका है। मस्जिद अक्सा की बकायदा तौर पर जो तुहीन हुई है हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम मशकूर हैं इन लोगों के जो माशाल्लाह अपने माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि यकजहती फलस्तीन के हवाले से ये इनका क्या ज़ाहिर ख्याल है? मेरा तो ये ख्याल है अगर मुझे वहाँ पर फलस्तीन में जाने का मौका मिले तो मैं खुद अपने इन बाजुओं के साथ जहाद करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि हमारी जो हकूमत है वो उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं पाकिस्तानी होने के नाते और ये माशाल्लाह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे जो हमारे दोस्त मुसलमान भाई यहाँ पर खड़े हैं वो सिर्फ़ फलस्तीन के साथ यकजहती के साथ उनके साथ यकजहती के लिए खड़े हैं। ये सबूत दे रहे हैं कि हम उनका साथ इंशाल्लाह आखिरी सांस तक देंगे। जी इंशाल्लाह हम तैयार हैं। ये अम्बिया की सरजमीन है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। इंशाल्लाह हम जहाद के लिए भी तैयार हैं और फलस्तीन की हर मुमकिन इमदाद के लिए भी तैयार हैं।